बच्चे आज बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर मैं आपको प्रेपोजिशन का क्लास दे रहा हूँ। प्रेपोजिशन क्लास क्या होता है? बेसिकली आपने पूछा कि सर ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, अबव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, राइट? तो मैं धर्मेंद्र सर आपका स्वागत करता हूँ डीएसएल क्लासेस में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑन, अबव, ओवर। यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्कुल हिंदी की, तो हिंदी अगर निकालना चाहो तो पर या ऊपर, इसका हिंदी होता है। ऑन का हिंदी क्या होता है? पर या ऊपर। तो पर या ऊपर के सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ऑन, अबव, ओवर। तो इसको बिल्कुल बच्चे की तरह कैसे सीखे? मान लो बिल्कुल आप छोटे बच्चे हो, मान लो आप तूफान हो, कुछ भी हो, तो आपकी उम्र जो भी रही हो, आप ऑन, अबव, ओवर बिल्कुल बच्चे की तरह सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु, ध्यान देना, कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, कोई वस्तु के ऊपर है लेकिन उस वस्तु से टच होता हो, देख रहे हो, कोई वस्तु के ऊपर, फिर समझो कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु हो और उस वस्तु को टच करता हो, देख रहे हो। तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और टच करता हो तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। इसको बहुत तरह से एग्जांपल देंगे हम लोग। अब हमने कहा कि जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और टच करता हो तो ऑन का प्रयोग, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और टच नहीं हो, टच नहीं हो, तो हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो ऐसे और ऊपर हो लेकिन टच नहीं हो तो उसे हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं। टच हो जाएगा तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, देखो ऊपर है कि नहीं, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो लेकिन उस वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से घेरता हो तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं, राइट? तो हमने कहा जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो ऑन का प्रयोग, टच कर रहा हो, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो लेकिन टच नहीं हो अबव का प्रयोग, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच हो या ना हो लेकिन कम से कम दो दिशाओं से घेर रखा हो तो उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, क्लियर? तो हमने कहा टच हो रहा हो ऑन, ऊपर हो टच नहीं अबव, और ओवर का प्रयोग तब करना जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो लेकिन दो दिशाओं से घेर रखे हो। जैसे आप इस कमरे में पढ़ रहे हो, तो इस कमरे में पढ़ रहे हो तो कमरा किसे गिरा? छत से गिरा है। टेबल पर किताब रखे हो, टेबल पर किताब तो टच क्या रहता है? तुम्हारे सर के ऊपर पंखा लटक रहा है, फैन, तो फैन क्या है? टच हो रहा है क्या? क्या पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है क्या? नहीं ना, ऊपर है, तुम्हारे सर के ऊपर है, टच नहीं है अबव का प्रयोग। लेकिन तुम घर के नीचे बैठे हो, छत के नीचे बैठे हो, ये छत है, ये तुम बैठे हो, तो छत के नीचे है तो छत तुम्हारे ऊपर है, राइट? तुम छत के नीचे हो गए तो छत तुम्हारे ऊपर है तो क्या लगाओगे? ओवर, क्लियर? अब यहां पे आप चेक करो कि जो बताया वो सही है कि नहीं, लिख लिया इसको। अब हम लोग कुछ एग्जांपल चेक करते हैं, राइट? अब एग्जांपल दिया हमने आपको कि ऑन, अबव, ओवर, हमने जो बताया उस पर आप लगा के देखें। तो बताओ बच्चे, देयर इज अ कैप, हिज हेड, यहां पे क्या लगाया जाए? ऑन, अबव, ओवर, ऑन। तो यहां पे हम ऑन लगाएंगे, क्यों भाई? क्योंकि कैप सर के ऊपर टच कर रहा है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि कैप से पूरा सर घिर गया सर, लेकिन पूरा बॉडी तुम्हारा भी नहीं घिरा, उससे एक पार्ट घिरा है। तो किताब टेबल पर रखते हो, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, क्यों भाई? क्योंकि टेबल पे भी टच कर रहा, तो टेबल से घिरा तो नहीं किताब से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। द कूली, तो यहां देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, द कूली वाज कैरिंग अ बैग ऑन ओवर अबव ऑन, क्यों भाई? इसलिए यहां पे ऑन आएगा क्योंकि कैरी कर रहा है, सर पे कैरी कर रहा है, पूरे बदन से नहीं कि यहां भी यहां भी यहां भी, तो क्या हो जाएगा यहां पे? ऑन हिज हेड। अब बोलो देयर इज अ ब्रीज ऑन द गंगा, अबव द गंगा, ओवर द गंगा, ओवर द गंगा, क्यों भाई? क्योंकि मान लो ये नदी है तो यहां भी पुल, यहां से जगह क्या किया? दो साइड से घेर लिया। तो जब कोई चीज दो साइड से घेर लेता है हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं, समझ पा रहे हो? तो क्या आ जाएगा बाबू? ओवर द गंगा। तो ओवर क्यों हुआ? देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर दो दिशाओं से घेर लिया। तो जो चीज दो दिशा से घेर लेता है वहां क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? ओवर का। द रूफ इज, जल्दी बोलो, ओवर द हेड, समझ में आ गया? क्योंकि छत से तो चारों साइड से घिरे हैं जी, दीवार से, तो क्या हो जाएगा? ओवर, ओवर द हेड। बोलो द फैन इज, जल्दी बोलो, अबव की ओवर,
अब क्यों? क्योंकि फैन ऐसे लटक के चल रहा है, तो फैन लटका हुआ है, तो यहां जाएगा अब ठीक है, अबव अस, द फैन इज अबव अस। अब एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि आखिर ऑन का, अबव का, ओवर का प्रयोग क्या करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा प्रयोग दिखाता हूं आपको कि आखिर अबव और ओवर का और कितने तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे बात कि आखिर आपने देखा कि ऑन का मतलब चिपका हुआ, अबव का मतलब ऊपर, और ओवर मतलब घिरा हुआ। अब इसके सेंस को लेना है कि और कितने स्तर प्रयोग हो सकता है इन शब्दों का, क्योंकि ऑन का, अबव का, ओवर का प्रयोग और भी एंगल है, सिर्फ चिपकने वाला नहीं होता कि सिर्फ चिपक गया या ऊपर टंगा हुआ है, और भी प्रयोग है। जैसे एग्जांपल देखो, हिज इनकम इज 10,000 अ मंथ। अब देखिए कि उसका इनकम हमको यहां पर लगाना है दो वर्ड, एक लगाना है आपका अबव और एक लगाना है ओवर। ये दो वर्ड आपको सारे में फिट करने हैं, एक अबव और एक ओवर, ये दो वर्ड सारे में लगाने हैं। अब आप दिमाग लगाइए कि हिज इनकम इज 10,000 अ मंथ। अब यहां देखना, यहां घिरावट नहीं, यहां ज्यादा की बोध करा रहा है कि उसका इनकम 10,000 से ज्यादा है। यानी ज्यादा अगर सेंस दिखाना हो तो आप ओवर नहीं अबव का प्रयोग करना। यानी यहां क्या प्रयोग हो बच्चे, अबव। तो हिज इनकम इज अबव 10,000 अ मंथ। तो यानी कि अबव का दूसरा सेंस क्या हुआ, से ज्यादा। यानी अबव का प्रयोग करते हैं संख्या में ज्यादा दिखाने के लिए, संख्या में ज्यादा दिखाने के लिए। दूसरा हो गया देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी हम ज्यादा बोलना चाहते हैं, तो देयर आर अबव, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी हम बोलना चाहते हैं कि क्लास में 100 से ज्यादा बच्चा है, तो अबव का प्रयोग हम करते हैं। यानी अबव का प्रयोग सिर्फ ऐसे नहीं कि ऊपर लटका हुआ है, हर सेंस में लगाना है आपको, बेसिक प्लस एडवांस। तो हमने कहा कि अबव का प्रयोग अगर संख्या में ज्यादा हो तो वहां भी हम अबव का प्रयोग करते हैं। इस बेसिक से सीखो, और ज्यादा जरूरत हो तो दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आराम से आके आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। यह हमने कहा इट इज, ही इज 35। अब देखो 35 से ज्यादा है, अब ज्यादा का दो अंग्रेजी, एक अबव और एक ओवर। अब यहां क्या बोले, ही इज अबव 35 या ही इज ओवर 35। तो ध्यान देना, जब कोई चीज कंप्लीट करके दिखाना हो, जैसे 35 मतलब 35 कंप्लीट हो गया होगा, इसका मतलब है कि एक सीमा में बंध गया वो, इसलिए यहां पे ओवर का प्रयोग हुआ, ही इज ओवर 35। सेकेंड बात करें, इट इज कोल्ड हेयर, हेयर का मतलब यहां, यानी यहां पे आसपास में क्या है, ठंडक है, तो यहां आसपास के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। यानी ओवर का यहां हिंदी क्या हुआ, आस पास। यानी ओवर का हिंदी आसपास भी होता है, ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है। तो आप इसको सेंस लगाना कि ओवर हेयर, यहां आसपास में क्या है बच्चे, ठंडक है। हमने कहा द क्लास इज एट 5 PM, यानी क्लास समाप्त होगा 5 बजे, तो यहां हमने कर दिया ओवर। यानी ओवर का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त होना, तो ओवर का मतलब समाप्त होना। अब कोई चीज समाप्त हो रहा है तो वहां भी ओवर का प्रयोग कर सकते हो कि क्लास ओवर कब होगा, एट 5 PM, 5 बजे में समाप्त होगा, तो ओवर मतलब फिनिश्ड, फिनिश हो जाना। हमने कहा प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, स्प्रेड कपड़े को फैलाओ, अगर यहां पे स्प्रेड नहीं होता हम बोलते प्लीज पुट द क्लॉथ, पुट मतलब रखना, हम बोलते प्लीज पुट द क्लॉथ, बोलो ऑन, ओवर क्या लगाते, ऑन लगाते, अगर पुट होता तो ऑन लगाते, क्योंकि कपड़ा रखने की बात कर रहा है, रखेगा चिपक जाएगा। तो हमने कहा प्लीज पुट द क्लॉथ ऑन द टेबल, लेकिन पुट नहीं है, स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब फैलाओ। तो जब कपड़ा फैलाओगे तो पूरे टेबल फैलाओगे ना, तो क्या होगा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी पूरे पे फैला दो। फिर हमने कहा वी डिस्कस्ड, हम डिस्कस करेंगे किस पर, कॉफी के ऊपर, यानी कॉफी के ऊपर नहीं, कॉफी पीते हुए डिस्कस करेंगे, यानी यहां भी ओवर आएगा क्योंकि हम लोग चीजों से घिरे रहेंगे। तो ओवर का प्रयोग हम लोग इतने स्तर पर करते हैं, कहां करते हैं भाई, समूचा के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं, घिरे हुए के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं, से ज्यादा के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट, जैसे कह सकते हैं कि ओवर 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना है, ओवर 45 डिग्री। ओवर का प्रयोग करते हैं से ज्यादा, 35 से ज्यादा है, राइट, इस तरह से प्रयोग करते हैं। ओवर का जो नेक्स्ट प्रयोग है वो अभी आप कर सकते हो, मोर देन रिक्वायरमेंट, जब कोई चीज
ज्यादा रिक्वायर हो तो वहां भी लगा सकते हैं हम लोग क्या, ओवर। जैसे ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया। ओवर वाइज, अधिक बुद्धिमान है। ओवर केयरफुल, अधिक सावधान है। इस तरह से आप पूरा ओवर का पढ़ सकते हो। इससे अधिक ओवर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग काम करेंगे ताकि डीप और डेप्थ में चलें, और इसके लिए इडियम्स फ्रेज भी आप बना सकते हैं ओवर, अबव और ऑन से। जैसे ऑन द जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, देख रहे हो। तो इस तरह से फ्रेजल भी होते हैं जो हम लोग को याद करना पड़ेगा, और उसका भी वीडियो मैं बनाकर आप सबों को दूंगा। ठीक है, आज तक यहीं तक, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका काम क्या है, आप कहते हो सर वीडियो नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब करिए तभी मिलेगा, और बेल आइकन दबाएंगे तो सारे वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।